20 मार्क्स की असाइनमेंट वर्कशीट है, डिस्क्रिप्टिव है। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन उपदेश। पहला उपदेश बुद्धा ने कहाँ दिया था? तो आप सभी जानते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्धा लेफ्ट द हाउस, जो बुद्धा जी थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, किस लिए? इन सर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज की सर्च के लिए, या उन्होंने नॉलेज की सर्च के लिए ही घर छोड़ा था। अगला, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सिटी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है सिटी में उसको क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, किस ट्री के अंदर उनको एनलाइटमेंट, उनको शक्तियाँ प्राप्त हुई थी? पीपल। अब वॉट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है उसके क्या फंक्शन होते हैं? तो उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके जो फंक्शन है वो है, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जो सेक्रेटरी है उसका वर्क होता है कि वो मीटिंग को बुलाता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और जो रिकॉर्ड होते हैं उनको रखता है। अब वॉट आर द थ्री लेवल्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल क्या क्या है? तो पंचायती राज एक थ्री टायर सिस्टम है रूरल लोकल गवर्नमेंट का इन इंडिया, जिसमें पंचायत विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब अगला, कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए? तो ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, ये सभी एडल्ट्स की मीटिंग है जो कि किसी एरिया में कवर्ड रहते हैं, और ये जो है इसमें कुछ विलेज या एक विलेज होता है। तो इन विलेज, अगर आपको क्या बनना है, अगर आपको मेंबर बनना है ग्राम पंचायत का, तो आपको 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए और राइट टू वोट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अनुसार जो हमारे दुख हैं और सफरिंग से इनका क्या कारण है? तो इनका कारण है हमारी डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अगर बढ़ती जाती हैं तो हमें ये सब सहने पड़ते हैं। वॉट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम के क्या सोर्सेज है ग्राम पंचायत में? पहला टैक्सेस के थ्रू, दूसरा जो गवर्नमेंट की स्कीम मिलती है उनके थ्रू, और तीसरा डोनेशंस के थ्रू। टेंथ, अब आपको बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखना है, तो आप लिखेंगे बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर थे, बुद्धा स्मॉल गाना के थे जिसको सख्य गाना कहा जाता था, ये क्षत्रिय थे, बुद्धा का नाम सिद्धार्थ भी था और गौतम भी था, ये जो थे आज से 2500 साल पहले हुए थे पैदा। ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज हाउस इन सर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज की खोज में इन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था। ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ, इन्होंने अपना ही एक अलग पाथ बनाया था जिस पे ही चले, लोगों को सीख दी इन्होंने बहुत सारी, और बोध गया बिहार में एक जगह है जहाँ पे इन्हें पीपल पेड़ के अंदर क्या मिला, इनको शक्तियां प्राप्त हुई। जो बुद्धा थे इनको वाइज वन भी कहा जाता है, और इसीलिए उनका नाम बुद्धा पड़ा, बुद्धि बुद्धा एक जैसे ना। उसके बाद वो सारनाथ वाराणसी में अपनी पहले उपदेश देने गए, उसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही पैदल चलते रहे, लोगों को नई नई बातें सिखाते गए, और कुशीनारा में उनका निधन हो गया। तो आप इस तरह से पूरा लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है, अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर।